कि हिंदू युवा वाणी बंदूक बांटेगी, आप ये बोलते हैं? मेरा ये वक्तव्य नहीं, लेकिन अगर रक्षा के लिए आवश्यक होगा तो बांटना चाहिए। हाँ, बंद, नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बंद, छोटे थोड़ा शाप बंद। बिल्कुल, शास्त्र और शस्त्र दोनों चलेंगे। हमारी परंपरा है शस्त्रण रक्षते रास्ते, शास्त्र चिंता प्रवर्तते। हम दोनों को साथ लेकर के चलेंगे। एक तो अगर हम विकास की बात करेंगे तो सुरक्षा की बात भी करेंगे, दोनों साथ चलेंगे। तो आप कैसे समाज चाह रहे हैं कि इधर भी बंदूकें हैं उधर भी बंदूकें हैं, गोलियां चलेंगी, अगर, लोग मारे अगर जाएंगे? शासन प्रशासन फेल हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से जनता को अपनी रक्षा के लिए स्वयं खड़ा होना चाहिए, और जनता खड़ी हो रही है। ये बात आपके संविधान में किस धारा में लिखी हुई, कहां लिखी? ये संविधान में कहां लिखी गई है कि आप बहुसंख्यक समाज को प्रताड़ित करो, उनका कत्लेआम करो, और प्रशासन नपुंसकों की तरह चुपचाप बैठा रहे? ये कहां लिखा गया है योगी जी? अगर न्याय पाने का अधिकार किसी एक जाति और मजहब को है तो बहुसंख्यक समाज को भी है। देखिए, आप नाराज हो गए। नाराज नहीं हो रहा हूं, मैं इस बात को कह रहा हूं कि संविधान किसी जाति किसी मजहब को भी छूट नहीं देती है कि उस सरेआम कतलेआम करें या एक वर्ग विशेष को पलायन करने के लिए मजबूर कर दे। क्या ये जो आप बात कहते हैं हथियार वाली, संविधान में कहीं लिखी हुई है? ये मेरा वक्तव्य कहीं है ही नहीं, तो आप अपने तरीके से अपने बात को मेरे मुंह में डाल रहे हैं, तो मैं उसकी बात कहां से कर सकता हूं? लेकिन यह शास्त्र सम्मत है, तो मुझे लगता है कि शास्त्र सम्मत है तो हमें उसका अनुपालन करना चाहिए। यह कहां लिखा हुआ संविधान में? मैं कहता हूं संविधान में यह कहां लिखा गया कि बहुसंख्यक समाज का कत्लेआम करो? यह कहां लिखा गया है? क्या आप कहां लिखा गया है? किसने कहां लिखा है कि कश्मीर से हिंदुओं को पलायन करा दो? तेरा बाप आया, कश्मीरी पंडितों को मार डालो, यह संविधान में कहां लिखा गया है? क्या आप एक सवाल का जवाब सवाल से देंगे? आपके पास सीधा जवाब नहीं है। मैं इसीलिए आपके आपके सवाल ही इस प्रकार के हैं कि उस पर सवाल करना आवश्यक हो जाता है।